गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। जैसा कि बेटा हम लोग यहाँ पे फिनॉल के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें से हमने जो है फिनॉल के प्रिपरेशन मेथड अच्छे से सीख लिया गया था बेटा। अब हम सीखने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। ठीक है बेटा, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, यानी कि फिनॉल से और क्या क्या बना सकते हो। तो पहले तो हम फिनॉल के बारे में सीखेंगे, फिनॉल है क्या चीज है भाई। ये फिनॉल है बेटा, इसी को क्या बोलेंगे, एराइल अल्कोहल। तो क्या देखा गया बेटा कि ये क्या होता है कि ये जो अल्कोहल की रिस्पेक्ट में बहुत ही क्या करता है, बहुत ज्यादा एसिडिक नेचर शो करता है। वाह, ये क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन के फॉर्म में चाहे लिख लो क्या, व्हाई इज फिनॉल फिनॉल सो एसिडिक कैरेक्टर एज कंपेयर टू एलिफैटिक अल्कोहल। ठीक है ना, क्यों ऐसा क्यों होता है। तो देखो बेटा, सबसे पहले हम लोग एल्कोहल के बारे में देखेंगे कि एल्कोहल क्या होती है। एलिफेटिक अल्कोहल बेटा RCH2OH होती है, बोलो एलिफेटिक अल्कोहल होती है। दूसरी ये फिनॉल है, ठीक है ना। इसमें क्या ऐसा होता है कि ये ज्यादा एसिडिक बिहेवियर शो करता है इसके रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। तो इन दोनों के एसिडिक बिहेवियर को हम लोग कंपेयर करेंगे, देखेंगे कि भाई ये क्यों इतना एसिडिक बिहेवियर शो कर रहा है एज रिस्पेक्ट टू क्या बेटा, एल्कोहल, एलिफेटिक एल्कोहल, ऐसा क्या हो रहा है उसके अंदर। ये सब जानकारी हम लोग देखेंगे बेटा, इसके जो है क्या होती है एसिडिक नेचर वाली चीजें, ठीक है। देखो बेटा, एसिडिक कैरेक्टर को कैसे चेक किया जाता है, हाउ टू फाइंड अ कंपाउंड विल बी एन एसिड। कैसे हम कोई कंपाउंड को चेक करेंगे कि ये एसिड है बेटा। तो क्या होता है, तो सबसे पहले जो थ्योरी आई थी बेटा वो किसकी आई थी, आर्हेनियस की। आर्हेनियस थ्योरी बेटा, ये क्या थी, आर्हेनियस की थ्योरी क्या थी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, अगर कोई एसिड है बेटा तो वो एक्वस मीडियम में एस प्लस आयन दे देता है, ठीक है ना। जैसे कोई मान लो कि एसिड है, ठीक है ना, ये मीडियम कैसा लिया बेटा, कोई मीडियम हमने लिया है वाटर, ओके, और ये H प्लस दे रहा है, और कोई सॉल्ट मतलब और माइनस, ठीक है ना, सॉरी इसे ऐसे ना लिखो। जैसे यहाँ पे मैंने क्या लिखा, कोई एसिड है बेटा H एसिड, ठीक है ना, ये मीडियम कैसा है बेटा, एक्वस यानी वाटर है, तो ये क्या कर रहा है, H प्लस और A माइनस, ठीक है ना। तो देखो जैसा कि मैंने बताया बेटा कि यहाँ पे क्या होगा, ये क्या होगा, ये एसिड होगा, ठीक है ना, ये क्या होगा, ये एसिड होगा, क्योंकि इसने क्या कर दिया है, H प्लस आयन दे दिया,
ठीक है ना, इन एक्वस मीडियम। तो आपको समझ लो अकॉर्डिंग टू पहली मतलब आर्किमिडीज थ्योरी के अकॉर्डिंग जो है ये कंपाउंड क्या होगा बेटा, ये एसिड होगा क्योंकि ये एक्वस मीडियम में इसने क्या कर दिया है, एस प्लस। तो दूसरी शर्त हम चेक कर लेते हैं। दूसरी शर्त ये होती है कि अगर हम किसी के साथ किसी एसिड के साथ क्या करते हैं, बोलो बेटा, किसी एसिड को अगर हम क्या करते हैं मेटल के साथ रिएक्ट कराते हैं तो वो क्या करती है, वो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करती है। इफ एसिड रिएक्ट विथ मेटल तो क्या होता है बेटा, बोलो, एसिड अगर किसी एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट करा दोगे तो क्या होता है बेटा, बोलो, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। ये तो बात समझ में। और तीसरी कंडीशन ये है कि अगर कोई क्या होगा बेटा, अगर एसिड है तो उसकी अगर किसी क्या करा दो, किसी बेस के साथ रिएक्ट करा दो तो सॉल्ट और वाटर बनता है ना बेटा। और इफ एसिड रिएक्ट विथ बेस, इफ एसिड रिएक्ट विथ क्या बेटा, बेस, तो बेस के साथ अगर रिएक्ट करेगा तो क्या बनना चाहिए बेटा, बोलो, एसिड और बेस अगर रिएक्ट कर रहे हैं तो क्या होना चाहिए, बोलिए बेटा, तो क्या होना चाहिए, बोलो, सॉल्ट और वाटर बनना चाहिए कि नहीं बेटा, सॉल्ट और वाटर बनना चाहिए। और चौथी कंडीशन ये है कि अगर हम लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर रेड हो जा रहा है, ठीक है ना, एसिड में अगर कोई एसिड है बेटा उसमें हमने क्या कर दिया, लिटमस पेपर मिला दिया, लिटमस पेपर, तो ये लिटमस पेपर है कैसा बेटा, ब्लू है, तो ये अगर रेड हो जा रहा है, ठीक है ना, कैसा हो जा रहा है, रेड, तो समझ जाओ क्या होना चाहिए, लो लो, तो समझ जाओ वो क्या करता है, वो एसिड है। यानी कि अगर ये चार कंडीशन बेटा फुलफिल हो जा रही हैं तो समझ जाओ कोई कंपाउंड क्या है, वो कंपाउंड एसिड है। तो यही सब चीजें हम फिनॉल के साथ चेक करेंगे और देखेंगे कि अगर फिनॉल ये सब चारों चीजों में से कोई चीज मतलब चारों चीजों में से एक दो चीज क्या कर रहा है बेटा, डिजायर अपनी पूरी कर रहा है तो समझ जाओ फिनॉल क्या होना चाहिए, तो समझ जाओ फिनॉल एसिड होना चाहिए। चलो चेक करते, देखो बेटा फिनॉल को सबसे पहले हम लोग क्या क्या किया, मेटल के साथ रिएक्ट कराया गया, यहाँ पे लिख दो स्टडी ऑफ कैरेक्टर ऑफ फिनॉल, स्टडी ऑफ कैरेक्टर ऑफ फिनॉल, ठीक है बेटा, फिनॉल की स्टडी करेगी। तो देखो फिनॉल को बेटा हमने सबसे पहले क्या कराया, बोलो, सबसे पहले हमने जो है क्या किया, मेटल के साथ ट्रीट किया सोडियम के साथ, तो ये क्या बन गया बेटा, सोडियम एक मेटल है तो ये एसिड अगर होगा तो ये क्या होना चाहिए, ये हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है और सोडियम फिनॉक्साइड बनाता है, ये होता है बेटा सोडियम फिनॉक्साइड, ठीक है ना, सोडियम फिनॉक्साइड। और अगर हमने क्या किया बेटा, बोलो, अगर इसकी हम बेस के साथ रिएक्शन करा दे रहे हैं, जैसे हमने अभी सोडियम के साथ ट्रीट किया था वैसे ही अगर हमने क्या कर दिया बेटा, एक्वस NaOH के साथ ट्रीट करा दें तो क्या होना चाहिए। हाँ तो बेटा अगर ये इसको सोडियम एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड साथ ट्रीट कराया गया तो क्या बनता है बेटा, ये बना सोडियम फिनोक्साइड, ओके, ये क्या बना बेटा, सोडियम फिनोक्साइड बना और वाटर बना, ओके। और जो थर्ड कंडीशन आई थी कौन सी थी, वो अगर हमने फिनॉल को लिटमस पेपर के साथ ट्रीट किया तो ब्लू लिटमस पेपर कैसा हो गया बेटा,
ब्लू लिटमस पेपर कैसा हो गया? वो हो गया बेटा रेडिश पिंक टाइप का। रेडिश पिंक मतलब ये थोड़ा सा हल्का सा क्या है बेटा, जितना स्ट्रांग हम समझते थे उतना स्ट्रांग ये है नहीं, एसिड तो है, क्योंकि रेडिश पिंक मतलब क्या है, थोड़ा सा जो है हल्का पिंक कलर का रहेगा बट रेडिश नहीं होगा, स्ट्रांग रेडिश रेड नहीं आ रहा है, तो समझ लो क्या होगा ये रेडिश पिंक मतलब ये क्या है तो एसिड बट कैसा है, वीक। ओके वीक एसिड। तो चलो ये हमने स्टडी कर लिया बेटा कि ये एसिड है। अब एसिड किस हिसाब से है, अल्कोहल के कंपेयर में क्यों है एसिड, ये सब चीजें देखते हैं। देखते हैं बेटा एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल एज कंपेयर टू अल्कोहल, एलिफेटिक अल्कोहल, एलिफेटिक अल्कोहल, ठीक है ना। एसिडिक नेचर जो है वो एलिफेटिक के कंपेयर में क्या है, किस तरीके का है वो देखते हैं। जैसे एलिफेटिक अल्कोहल आपने लिखा क्या बेटा, आर सी एच टू ओ एच, इसको आपने ब्रेक किया बेटा तो किसमें जो टूट जाएगा, आर सी एच टू ओ माइनस प्लस एच प्लस। तो फॉर बेटर एसिडिक नेचर ये क्या होना चाहिए, ये स्मॉलर चार्ज होना चाहिए ना, मतलब स्मॉलर द स्मॉलर द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, स्मॉलर द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑक्सीजन एटम, ग्रेटर विल बी द एसिडिक नेचर। तो ऐसा एसिडिक नेचर, जबकि ऐसा है नहीं बेटा, क्योंकि आपको पता है ये क्या कर रहा है, आपको पता है कि जो RCH2 ये क्या है, ये तो प्लस आई इफेक्ट है बेटा, और प्लस आई इफेक्ट क्या करता है बोलो, प्लस आई इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देता है, सो दैट ठीक है ना, इन एलिफेटिक अल्कोहल प्लस आई इफेक्ट इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द कहाँ बेटा, ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन एटम हैज दैट द एलिफेटिक अल्कोहल डज नॉट releases hydrogen easily hydrogen release nahi karega, hence so that aliphatic alcohol do not show acidic
वैसे भी मैंने बता रखा है बेटा, सिग्नेचर सारी क्या होती है, बेसिक इन नेचर होती है, ठीक है ना। ओके चलो अब हम बात करते हैं किसकी, फिनॉल की। फिनॉल ऐसा क्या है कि उसके अंदर एसिडिक नेचर आता है, तो फिनॉल के लिए क्या होना चाहिए बेटा, माइनस जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए बताइए आप लोग, माइनस क्या होना चाहिए, माइनस जो होना चाहिए बेटा फिनॉल के ऊपर, अगर हाइड्रोजन मैंने रिलीज करा दिया फिनॉल से, तो जो माइनस होना चाहिए वो कम होना चाहिए, बोलो बोलो बेटा। यहां से मैंने हाइड्रोजन को रिलीज करा दिया है, ये ओ माइनस बचा बेटा, यहाँ पे प्लस बचा। अब देखो बेटा ये क्या है, ये माइनस है, और ये जितना ज्यादा कम होना चाहिए, ठीक है ना, जितना कम, क्या बोलोगे, स्मॉलर द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द ऑक्सीजन एटम, ग्रेटर विल बी द एसिडिक बिहेवियर ऑफ फिनॉल। तो जितना एसिडिक नेचर क्या होगा बेटा, जितना ये क्या होगा कम होगा, उतना ज्यादा क्या होगा इसके अंदर एसिडिक नेचर होगा। तो देखते हैं, ये तो आपको पता बेटा कि ये एसिडिक नेचर में क्या हो रहा है, फिनॉल में रेजोनेंस हो रहा, बोलो बेटा हो रहा कि नहीं हो रहा, ये माइनस है। अब देखो ये माइनस है बेटा, तो ये देखो डबल सिंगल लोन पे ये माइनस चार्ज है, ये रेजोनेंस की कंडीशन है, तो क्या होगा बेटा, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव कराएगा, तो आप लोग जानते ही होगा, और ये डबल बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा, देखो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इन द ऑर्थो एंड मेटा पैरा पोजिशन, ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे, यहाँ माइनस चार्ज आएगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड लग जाएगा बेटा, और इस तरीके से ये आएगा, ठीक है ना। ब्रदर फिर से क्या होगा, ये माइनस चार्ज जो डेवलप हुआ था ये फिर से यहाँ बॉन्ड बनाएगा और ये फिर से आगे टूट जाएगा बेटा, ये तो आप लोग बहुत इजीली मैंने बहुत दिन तक सिखाया था बेटा, अगर आप इसको नहीं जानते हो तो आप ये और ये नहीं समझ लो खत्म है, ठीक है ना। तो ये बॉन्ड बन गया, यहाँ पे देखो पोजीशन आ गई है, और यहाँ यहाँ आ गया। अब फिर ये क्या होगा बेटा, ये फिर से क्या होगा, ये फिर से एक बॉन्ड ऐसे बनाएगा और ये ऐसे टूट जाएगा, तो कैसा बनेगा बोलिए बेटा, तो कुछ इस तरीके का आपको दिखेगा ऑक्सीजन, ये ऐसा कुछ दिखेगा बेटा, ये ऐसे बॉन्ड बना, ये ऐसे बना बॉन्ड, ये ऐसे बना, और यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ गया बेटा ये। अब ये क्या होगा, ये निगेटिव चार्ज फिर से इसमें आएगा, ये ऐसे टूट जाएगा फिर से, तो क्या देख रहे हो आप लोग बेटा, बोलो ये फिर से क्या हो गया, ये ऐसे आया, ये ऐसे आया, ये ऐसे बना, ये क्या हुआ ऐसे, ओ माइनस फिर से आ गया, तो कितने स्ट्रक्चर हो गए बेटा, देखो 1 2 3 4 और ये कितना हो गया, ये 5 हो गया, ठीक है ना। तो 5 हो गया, तो क्या हो गया बेटा, देख रहे हो अब चार्ज कहाँ कहाँ पे आ रहा, निगेटिव चार्ज देखो बेटा कहाँ कहाँ पे आ रहा, निगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ पे आ रहा, निगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ डेवलप हो रहा है, यहाँ पे आ रहा है बेटा, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, ठीक है ना, पूरी रिंग में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है निगेटिव चार्ज, ओके पूरी रिंग में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ये ऐसे आएंगे रियल में नहीं आएंगे, लेकिन मैं तुमको बता रहा हूँ कि ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे क्या हो रहा है बेटा,
पोजीशन पे क्या आ रहा, नेगेटिव चार्ज आ रहा, यानी कि अगर यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल आना आएगा बेटा तो कहाँ कहाँ अटैक करेगा बोलो? यहाँ तो डबल बॉन्ड करेक्टर है ही, ये अटैक करेगा यहाँ पे कर सकता है ऑर्थो एंड पैरा पे, इसीलिए जो है फिनॉल जो है बेटा क्या करता है ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो करता है, ठीक है बेटा, इसीलिए शो करता है, सो दैट फिनॉल फिनॉल गिव्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन, ये तो लिख लिया होगा बेटा, पैरा पोजिशन यहाँ लिख लो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे बेंजीन ये क्या कर रहा है, ये फिनॉल्स निगेटिव चार्ज को सेपरेट कर रहा है, यानी कि निगेटिव चार्ज यहाँ पे क्या हो गया, ये क्या हो गया बेटा, निगेटिव चार्ज से क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया इन द होल रिंग, मतलब क्या कि निगेटिव चार्ज एक 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 टाइम पे क्या हो गया बेटा, कम हो गया, तो इजीली इलेक्ट्रॉन का क्या, हाइड्रोजन का क्या हुआ, जाना मुमकिन हो गया, जब इजीली हाइड्रोजन का जाना मुमकिन हो गया तो क्या हुआ कि ये इसीलिए क्या करता है बोलो बेटा, बोलो इसीलिए क्या करता है, ये एसिडिक नेचर शो करता है। तो आपको अगर ये क्वेश्चन के फॉर्म में आ जाए कि भाई एरोमेटिक अल्कोहल्स आर गुड एसिडिक एज कम्पेयर टू एलिफेटिक अल्कोहल वाई, या ये आ जाए कि एरोमेटिक अल्कोहल्स आर डज नॉट शो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एट ए नॉर्मल कंडीशन बिकॉज दे हैव क्या बेटा डबल बॉन्ड करेक्टर, सो दैट दे डज नॉट शो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है ना, जैसे यहाँ देखो डबल बॉन्ड करेक्टर है तो इसको यहाँ पे नॉर्मल कंडीशन पे आप तोड़ नहीं पाओगे, इसीलिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एट ए नॉर्मल कंडीशन पे शो नहीं होती है बाय द फिनॉल, ओके बेटा, या एरोमेटिक अल्कोहल, ओके। तो ये सब सारे क्वेश्चन या जो है ये इजिली एसन एसन जो है SN1 या SN2 रिएक्शन शो नहीं करती है, क्यों नहीं करती है एज ए नॉर्मल कंडीशन, तो ये सारे जवाब इसी चीज में आ जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना आ गया बेटा, तो समझ जाओ आपको सारी चीज समझ में आएंगी। अब यह ऐसे शो कर सकते हैं कि वाई फिनॉल क्या बेटा, फिनॉल शो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है ना, एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, तो आप बताओगे एज द ड्यू टू रेजोनेंस ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, ड्यू टू रेजोनेंस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्रिएटेड ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन सो दैट द इजी अटैकिंग ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन द ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन हैज दैट द फिनॉल शो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एट ए नॉर्मल कंडीशन, ठीक है ना, बात समझ रहे हो, ओके बेटा। अब एक चीज मैं आपको बताने चाह रहा हूँ कि तुम लोगों की भाई अगर हमको एसिडिक करेक्टर फिनॉल को और ज्यादा बढ़ाना हो बेटा तो कैसे बढ़ा सकते हैं बोलो, तो यानी कि चार्ज सेपरेशन और हम कम कर दें, ठीक है, जैसे मैं तुमसे बोलूं बेटा कि जो यहाँ पे क्या है रेजोनेंस तो है ही लेकिन चार्ज और थोड़ा सा कम अगर हो जाए, ठीक है ना, चार्ज इतना कम होगा उतना ज्यादा क्या होगा बोलो, तो स्मॉलर द निगेटिव स्मॉलर द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑक्सीजन एटम ठीक है ना, ग्रेटर विल बी द क्या बेटा एसिडिक नेचर। तो आपको पता है कि कौन कौन से होते हैं, एक तो माइनस आई इफेक्ट वाले होते हैं और एक बोलो बेटा और कौन से माइनस एम इफेक्ट वाले, तो माइनस एम और माइनस आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल, ओके बेटा। तो जैसे हमने बोल दिया कि बताओ फाइंड आउट, क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आप लोग को, फाइंड आउट द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक
nature in the following. ठीक है ना, पहला है बेटा जैसे ये, यहाँ पे मैंने ऑर्थो लिया, यहाँ पे नाइट्रो लगा दिया, यहाँ फिनॉल तो है ही है बेटा, यहाँ पे मैंने नाइट्रो लगा दिया, जैसा कि आप लोगों को पता है बेटा कि ये जो मेटा पोजीशन पे कोई इफेक्ट नहीं होता है, किसका बताओ, प्लस एम एम माइनस एम का कोई इफेक्ट नहीं होता, ओके, मेटा पोजीशन पे नहीं होता है ये सब आपको बताओ। रेजोनेंस देखोगे बेटा यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट ही नहीं करते हैं इसके, ये खींच ही नहीं पाता क्योंकि, ठीक है ना, यहाँ पे क्या है देखो, यहाँ पे क्या है, नजदीक है, माइनस आई इफेक्ट तो लग ही रहा है बेटा और माइनस एम इफेक्ट भी लग रहा है क्योंकि माइनस एम इफेक्ट डज नॉट डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस, ठीक है, लेकिन माइनस एम इफेक्ट लग रहा है तो इसकी वजह से जो पहला वाला होगा यानी कि जो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल होगी बेटा वो क्या होगी बोलो, मोर एसिडिक होगी एज कंपेयर टू किससे, पैरा ऑर्थो ऑर्थो पैरा नाइट्रोफिनोल से, और मेटा तो सबसे बेकार होगा क्योंकि मेटा पे मेटा जो नाइट्रोफिनॉल होगी बेटा क्योंकि मेटा पोजीशन पे कोई इफेक्ट काम नहीं करता है, इसीलिए ये क्या होगी सबसे बेकार होगी, ठीक है ना, तो एसिडिक नेचर ये है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्या बेटा, अगर इस तरफ जा रहा तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर, ठीक है, बात समझ गए, ये आंसर आ गया। और अगर हम बेटा देखो और अगर दो तीन क्वेश्चन हम देख तो बेटा देखो, अगर हम ऑर्थो पैराइन मेटाक्रिस्टोल के बारे में देखें बेटा तो क्या देखते हैं, ऑर्थो अगर हम ऑर्थो पोजीशन पे यहाँ पे OH है बेटा तो यहाँ पे हम CH3 लगा देते, ये है क्या ऑर्थो क्रिस्टोल है बेटा, और अगर हम क्या करते हैं यहाँ पे हमने OH लगा दिया, यहाँ पे हमने लगा दिया CH3, ठीक है बेटा, और यहाँ पे लगा दिया हमने बोलो पैरा पे, तो बेटा बेटा पहला ज्यादा अच्छा होगा, दूसरा अच्छा होगा कि तीसरा अच्छा होगा बता सकते हो तुम लोग, देखो इसका काम क्या है प्लस आई इफेक्ट, इसका काम क्या है प्लस आई इफेक्ट, इसका काम क्या है प्लस आई इफेक्ट, तो ये तो डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, बोलो बेटा डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है कि नहीं होता है, तो जितना दूर वाला होगा उतना अच्छा क्या होगा बेटा डिस्टेंस होगा, बोलो 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 बोलो, नहीं 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 यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट नहीं, यहाँ पे लगेगा बेटा हाइपर कॉन्जुगेशन प्लस एच प्लस एच प्लस एच, ठीक है ना, अब आपको पता है कि हाइपर कॉन्जुगेशन विल बी एक्ट ऑन द क्या बेटा ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन एंड डज नॉट एक्ट ऑन द मेटा पोजिशन, सो क्या बेटा ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा, मतलब सबसे बेकार जो होगा वो ये होगा एंड फिर ये वाला होगा, और सबसे जो स्ट्रांग होगा वो कौन सा होगा बेटा सेकेंड वाला, यानी कि जो स्ट्रांग एसिड एसिडिक नेचर किसका होगा बेटा बता सकते हो, ये मेटा का, ओके बेटा मेटा OH CH3, फिर किसका आएगा फिर ऑर्थो का लिख सकते हो, ऑर्थो का नहीं नहीं पैरा का लिख सकते हो, पैरा फिर क्या आएगा मेटा मेटा
सबसे अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ मेटा पोजिशन पे प्लस एच एक्ट नहीं करेगा। हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है ये पूरी डिटेल में बता चुका हूँ, ठीक है ना। तो इस तरीके से एसिडिक नेचर और क्यों ये सब चीज़ें शो नहीं करता है, ये सब डिटेलिंग डिस्कशन हो गया बेटा। ओके अब यहीं तरह रखते हैं, कल बात करेंगे इसकी रिएक्शंस के बारे में। ओके बेटा, थैंक यू। तो बेटा देखो, अगर हम ऑर्थो पैराइन मेटाक्रिस्टोल के बारे में देखें बेटा, तो क्या देखते हैं, ऑर्थो अगर हम ऑर्थो पोजीशन पे यहाँ पे OH है बेटा, तो यहाँ पे हम CH3 लगा देते, ये है क्या ऑर्थो क्रिस्टोल है बेटा। और अगर हम क्या कर दें, यहाँ पे हमने OH लगा दिया, यहाँ पे हमने लगा दिया CH3, ठीक है बेटा, और यहाँ पे लगा दिया हमने क्लोरो पैरा पे। तो बेटा बेटा पहला ज्यादा अच्छा होगा, दूसरा अच्छा होगा कि तीसरा अच्छा होगा, बता सकते हो तुम लोग? अब देखो इसका काम क्या है, प्लस आई इफेक्ट, इसका काम क्या है प्लस आई इफेक्ट, इसका सॉरी बेटा इसका काम क्या है प्लस आई इफेक्ट। तो ये तो डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, बोलो बेटा डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है कि नहीं होता है? तो जितना दूर वाला होगा उतना अच्छा क्या होगा बेटा, डिस्टेंस होगा, बोलो 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 बोलो। नहीं 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 यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट नहीं, यहाँ पे वो लगेगा बेटा हाइपर कॉन्जुगेशन, प्लस एच प्लस एच प्लस एच, ठीक है ना। अब आपको पता है कि हाइपर कॉन्जुगेशन विल बी एक्ट ऑन द क्या बेटा, ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन एंड डज नॉट एक्ट ऑन द मेटा पोजिशन। सो क्या बेटा ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा, मतलब सबसे बेकार जो होगा वो ये होगा एंड फिर ये वाला होगा, और सबसे जो स्ट्रॉन्ग होगा वो कौन सा होगा बेटा, सेकेंड वाला, यानी कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड एसिडिक नेचर किसका होगा बेटा, बता सकते हो, ये मेटा का। ओके बेटा मेटा OH CH3, फिर किसका आएगा, फिर ऑर्थो का लिख सकते हो, ऑर्थो का नहीं नहीं पैरा का लिख सकते हो, पैरा। फिर क्या आएगा, ऑर्थोक्रिस्टोल पैराक्रिस्टोल फिर मेटा, मेटा सबसे अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ मेटा पोजीशन पे प्लस एच एक्ट नहीं करेगा। हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है ये पूरी डिटेल में बता चुका हूँ, ठीक है ना। तो इस तरीके से एसिडिक नेचर और क्यों ये सब चीजें शो नहीं करता है, ये सब डिटेलिंग डिस्कशन हो गया बेटा। ओके अब यहीं तरह रखते हैं, कल बात करेंगे इसकी रिएक्शंस के बारे में। ओके बेटा, थैंक यू।